शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से कुछ नहीं संभल सकता मुझसे, सब कुछ बिगाड़ देती हूँ मैं। अरे सुमन के शक्ल, सब बिखर जाता, छोड़ो तुम। सब कुछ तो बिखेर ही दिया है मैंने। सही कहती है मम्मी जी, कुछ नहीं संभलता है मुझसे। कहां मैं कीर्ति को रोकने चली थी, वो रुकी तो नहीं, उल्टा मेरी वजह से उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। श्रद्धा तुम ऐसा मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उल्टा सबसे ज्यादा तुम ही कोशिश करती हो इस घर को एक साथ रखने की। क्या फायदा इस कोशिश का, सबकी नजरों में तो मैं हार ही गई ना। आप ही मुझे बताइए, मैं अपने मम्मी पापा से कैसे नजरें मिलाऊं? उन्होंने मुझसे इतनी उम्मीद की थी कि मैं सब कुछ संभाल कर रखूंगी। तुम गलत नहीं हो श्रद्धा, बस मैं कीर्ति के प्यार में कमजोर, मैं उसे इतने दुख में नहीं देख सकता, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस घर को छोड़ देंगे। हमें एक मकान मिल गया, कल सुबह होते ही हम इस घर को छोड़ देंगे। अब बस भी कीजिए नैना जी, जिसके लिए आप इतने आंसू बहा रही हैं वो खुद ये घर छोड़कर जा रहा है। बेहतर ये होगा कि आप इस सच्चाई को मान लें। अब हमें समझा रहे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या आपने अपने मन को समझा लिया है कि आपका इकलौता बेटा घर छोड़कर जा रहा है? एक ना एक दिन कीर्ति को एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। क्या आपको एहसास हो रहा कि आप हमसे दूर जाएंगे? समत कही मम्मी, ना मैं आपको छोड़ सकता हूं ना मैं कीर्ति को। और ये सब भी मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जब उसका अपना घर होगा ना तब उसे समझ में आएगा कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है। तब एहसास होगा उसे कि आपने इस घर में उसे कैसे रानी की तरह रखा था। और मैं आपसे दूर कहां जा रहा हूं, यही पास में घर लिया है मैंने, रोज आऊंगा आपसे मिलने। ठीक है बेटा, सही फैसला लिया तुमने। जब बड़ों की इज्जत नहीं कर पाते बच्चे, उनकी बात नहीं मानते, तब घर से अलग होने के बाद उन्हें पता चलता है परिवार के मायने क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। तो वरुण, तैयार हो तुम अपनी नई और हसीन जिंदगी के लिए? हमारा मतलब था कि सारी तैयारियां हो गई, सब पैकिंग अच्छे से कर ली तुम लोगों ने? जी बुआ जी,
और कहाँ है तुम्हारी प्रियतमा डे टू? हमारा मतलब है स्वीट टू, वो नजर नहीं आ रही कहीं। चले जी, आपको हमारे रिश्ते का वास्ता, मत रोकिए इसे, जाने दीजिए। चले चलो। रुक जा कीर्ति, कहीं नहीं जा रही है तू। दीदू प्लीज, जाते जाते कोई तमाशा नहीं। तमाशा तो तूने बना दिया है सबकी भावनाओं का। कीर्ति, तू तो ऐसी नहीं थी। तू इस घर को छोड़ के कैसे जा सकती है? मेरे रहते तुझे इस घर की दहलीज को पार करने नहीं दूंगी मैं। नहीं छोड़, मैं छोड़ अपना दीदू, छोड़ नहीं छोड़। दीदू क्या नाटक है ये? बता ना कीर्ति, तो इस घर को, इस परिवार को तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? याद है कीर्ति, बचपन में मैं मम्मी को हमेशा कहती थी कि कीर्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। और देख, किस्मत की लकीरें हमें एक ही साथ ले आई एक ही घर में। और तुम फिर भी छोड़ के जा रही है कीर्ति? तू नहीं जाएगी कीर्ति। दीदू हम फैसला ले चुके, अब प्लीज ये सब मत करिए। कीर्ति, तू मुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती है क्या? तू मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, तुझे ऐसा लगता है ना कि इन सब में मेरी गलती है? तो मैं तुझसे सॉरी बोल देती हूँ, मैं तुझसे सॉरी कह रही हूँ कीर्ति। प्लीज कीर्ति मुझे माफ कर दे। हाँ, तू एक काम कर, तू ना अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकाल ले। तू मुझे मारना चाहती है ना? मुझे मार ले, लेकिन मत जाओ प्लीज कीर्ति। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं कीर्ति, प्लीज। बस ज्यादा वो नहीं रुकेगी, उसे जाने दो। नहीं कीर्ति, प्लीज कीर्ति मत जा, प्लीज मैं तुझे नहीं जाने दूंगी कीर्ति। बस
जाने दो। प्लीज घर छोड़ के मत जा कीर्ति। कीर्ति प्लीज कीर्ति ऐसा मत कर। मैं जाके हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज इस घर को छोड़ के मत जा। ये सब छोड़। प्लीज कीर्ति। हमने इन्हें फोन करके बुलाया है। इनकी छोटी बेटी की विदाई हो रही है इस घर से, तो पूरे परिवार को होना चाहिए ना यहाँ पर। आखिर इन्हें भी तो पता चले कि आखिर में इनकी छोटी बेटी ने घर तोड़ ही दिया। ये घर छोड़ के कैसे जा सकती है? आपकी बात समझती है ना वो? आपकी बात कभी नहीं टालेगी। प्लीज पापा, वो घर छोड़ के जा रही है। प्लीज आप उसे रोकिए पापा। जाने दो बेटा उसे। पहले ही बहुत कोशिश कर चुकी है उसे रोकने की, लेकिन वो अपना मन पहले से इस घर को छोड़ के जाने के लिए बना चुकी है। वरुण, वरुण उसके प्यार में बह गया। तुम किसे रोक रही हो? कीर्ति, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उन्हें रोकने के बजाय उल्टा कीर्ति का साथ दे रहे हैं। अब साथ देने से क्या फायदा? अगर बचपन में संस्कार दिए होते तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बहन जी। संस्कार तो हमने दोनों बेटियों को एक जैसे ही दिए थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी दी हुई सीख ये भूल जाएगी। हमें सुनिश्चित कर देना चाहिए। इतनी बदनामी के साथ हम कैसे जिएंगे? हमारी बेटी ने अपना ही घर तोड़ दिया। जब आपकी बेटी ने हमारे घर में उल्टे कदम रखे, हम तो तभी पूरी बात समझ गए थे। ना सिर्फ ये इस घर से बाहर जाएगी, लेकिन हमारे वरुण को भी साथ लेकर जाएगी। और देखिए, इसने वही किया। आखिर में इसने हमारा परिवार तोड़ दिया। नहीं, पापा वो घर छोड़ के जा रही है। प्लीज रोकिए उसे। प्लीज पापा, मम्मी, पापा प्लीज, आपकी बात मानती है वो। प्लीज पापा, आप उसे रोकिए ना। मम्मी, आप कैसे खड़ी खड़ी देखती रहेंगी? रोकिए ना उसे, वो घर छोड़ के जा रही है। आप लोग कुछ नहीं करेंगे क्या? वो घर छोड़ के जा रही है। प्लीज रोकिए उसे। आप चिंता मत करिए, मुझे पूरा यकीन है कि अभय श्रद्धा को संभाल लेगा। हमारा घर है।
ऐसी आजादी का मजा और कहां वरुण जी। वरुण जी, कहीं आप अपना फैसला बदलने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? अब जाके हम अपनी मर्जी की मालिक बने। सोच रहे हैं आप? कितना सुंदर है ना हमारा ये वाला कमरा। पुराने घर का कमरा तो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म लगता था। कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। और उस घर में कितनी रोक टोक थे ना, पर यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है। प्यार करने के लिए भी नहीं। वरुण जी चलिए ना, बहुत सारा काम है। चलिए उठिए जल्दी, चलिए। सब कुछ तो हो गया कीर्ति, अब क्या बाकी रह गया? वरुण जी, शाम की पार्टी के लिए इतनी सारी शॉपिंग करनी है हमें। अरे हमारे इतने सारे दोस्त आ रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट बनाई है हमने। चलिए ना, बहुत सारी खरीदारी करनी है, चलिए। लेकिन आज रात को ही? हाँ। अरे दीदू ने ना पूरा मूड खराब कर दिया था उनका उस दिन भजन कीर्तन में बुलाकर। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम अभी भी वो सुंदर और बड़े दिल वाली कीर्ति हैं। उन्हें हम अपने घर बुलाएंगे और अपने हिसाब की पार्टी कराएंगे। चलिए ना वरुण जी, फिर आपको ऑफिस जाना होगा। और हाँ प्लीज दोपहर में आ जाइएगा ऑफिस से। हाँ शाम को पार्टी है, ठीक है? श्रद्धा, श्रद्धा, अरे यार ये कहाँ चली गई? ऐसे कौन था मेरी कोई बात मानती जो अब मानेगी? बैठ के रो रही हुई किसी कोने में। हेलो, हाँ हाँ बस निकल गया, मैं आ रहा हूँ। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। वो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। अगर आपको तकलीफ नहीं हो तो आप मुझे ऑफिस तक छोड़ देंगे? देखा नहीं है जग में तुम जैसा कहीं, सौ जन्म भी कम पड़े। श्रद्धा तुझे जो यूं ही, अब ये वाली श्रद्धा को ना कहीं गिरा मत देना। शाम को मिलना मुझे इसी मुस्कान के साथ। बिन तेरे दिल अब मेरा ना माने। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से। याद रखना श्रद्धा, आज के बाद इस घर की दहलीज में तुम कदम नहीं रखोगे। इनसे हमारा कोई नाता नहीं है।